दोस्तों, केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां पर पुरानी कथाओं के सो दंत कथाओं और मिथुकों में अजीब तरह के जीवों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक किरदार है जलपरी। जलपरियां वास्तव में होती भी है या नहीं, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ऐसे कई सबूत हमारे सामने आए हैं जिन्होंने जलपरी के कभी ना कभी अस्तित्व में होने की बात पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। यूं तो हमने कहानियों के हिस्सों में, कार्टून मूवीज में अक्सर जलपरियों को सुना और देखा है, लेकिन आज हम इन जलपरियों से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। ग्रीक लोक कथा के मुख्य किरदार जलपरी, जिसे मरमेड के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंच के दो शब्द से मिलकर बना है, मर और मेट। मर यानी कि सागर और मेट यानी कि श्री, यानी कि एक ऐसी श्री की रचना जिसका दर तो श्री का होता है पर पैरों की जगह मछली की तरह पूंछ होती है। हालांकि कई लोक कथा में जल मानव का भी जिक्र मिलता है। अगर बात लोक कथा की करे तो जलपरियों को मधुर गीत गाकर इंसान को अपनी ओर आकर्षित करने वाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान उनके गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देता है। कई बार जलपरियों को मदद करने वाली भी कहा जाता है। जलपरियां दुनिया भर की कई संस्कृति की लोक कथा में पाई जाती है, उनमें से यूरोप, अफ्रीका, एशिया भी शामिल है। जलपरियों को कई बार तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। जलपरियों के नाम से पहले 1000 ईसा पूर्व असायरा में सुनने को मिला है, जिससे जुड़ी कुछ कहानी ऐसी बताई जाती है कि देवी अटारगेटिस को ना चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा था, जिससे वो शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी और जलपरी का रूप लेकर पानी में ही रहने लगी। एक कहानी और है जहां एलेक्जेंडर की बहन थिसालोनिक मरने के बाद जलपरी बन गई थी। भारतीय रामायण के स्थाई और कंबोडियाई संकरण की माने तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि हनुमान लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब सुवर्णमच्छा यानी कि सोने की जलपरी ने हनुमान जी के इस प्रयास को रोकने की तमाम कोशिशें की, पर वह विफल रही। कहा जाता है कि सुवर्णमच्छा रावण की बेटी थी। प्राचीन चीनी कहानियों में जलपरियों के आंसुओं को मोतियों में बदल जाने का उल्लेख मिलता है। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा इन जलपरियों की शिकार की तलाश में रहते थे। पर यह जलपरिया अपने मधुर आवाज के संगीत से पानी में खींच लेती थी। भगवान विष्णु के मत्स्यावतार के बारे में तो हम सब ने सुना ही है, जिनका ऊपरी भाग मानव का और निचला हिस्सा मछली जैसा था। यह तो हुई मान्यताओं की बात, अब आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जलपरियों के अस्तित्व को बयां करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो शायद उन्होंने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को भी विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के दौर में इंसान में कई तरह के बदलाव देखे गए। उसी तरह 2012 में एनिमल प्लैनेट नाम की एक चैनल में दिखाए गए एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज ने एक बार फिर सबके मन में जलपरियों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों के बारे में पता लगा रहे थे। तब उन्हें ऐसा जीव भी देखने को मिला जिसका आधा शरीर इंसान की तरह था तो आधा शरीर मछली की तरह, जिसकी झलक वीडियो में भी कैद कर ली गई, क्योंकि बाद में पता चला कि यह वीडियो भी काल्पनिक था, सच नहीं, क्योंकि अब तक जलपरियों के पाए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। जलपरिया मिलने के किस्से एक या दो नहीं है। एक किस्सा आप लोगों ने भारत के गुजरात का भी सुना होगा, जहां मृत जलपरी के शव मिलने की बात सामने आई थी। मिस्र के समुद्री तट से बिल्कुल वैसी ही जलपरी के शव की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, लेकिन बाद में अफवाह करार दे दिया गया। वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां एक बच्चा देखने में एकदम जलपरी जैसा पैदा हुआ था। ऊपरी भाग मनुष्य जैसा था तो निचले भाग में दो पैर जुड़े हुए थे। यह कुछ मछली की पूंछ की तरह दिखाई देते थे। अनफॉर्चुनेटली यह बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का नाम साइरेनोमिलिया है, जिसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह सारी घटनाएं जलपरियों के होने या ना होने दोनों प्रकार की संभावनाएं जताती है, लेकिन हाल फिलहाल में सच यही है कि जलपरियों के होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस पर खोज लगातार जारी है, लेकिन अब तक जलपरियों को लेकर लोक कथा के बाहर वास्तविक जीवन में नहीं ला जा सका है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बताइए।